मुंबई के कूपर अस्पताल में करीब 5 घंटे चला सिद्धार्थ शुक्ला का पोस्टमार्टम। 5 डॉक्टर्स की टीम ने की मौत के वजहों की जांच। आज अस्पताल में ही रहेगा सिद्धार्थ शुक्ला का शरीर, कल हो सकता है अंतिम संस्कार। सिद्धार्थ शुक्ला के घर पर उमड़ी उनके चाहने वालों की भीड़, श्रद्धांजलि देने पहुंचे टीवी के कई सितारे। आज सुबह हुआ छोटे पर्दे के बड़े स्टार सिद्धार्थ शुक्ला का निधन, 40 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से गई जान। सुबह के करीब 3:30 बजे सीने में दर्द की शिकायत के साथ टूटी थी सिद्धार्थ की नींद, मां से पानी लेकर फिर से सो गए थे। सुबह जब नहीं उठे सिद्धार्थ तो मां ने बहन को दी जानकारी, फिर बुलाए गए डॉक्टर, तब तक जान जा चुकी थी। रियलिटी शो बिग बॉस के 13वें सीजन के विजेता थे सिद्धार्थ शुक्ला, खतरों के खिलाड़ी का 7वां सीजन भी जीता। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन पर बॉलीवुड ने जताया शोक, सलमान खान ने लिखा आप बहुत याद आएंगे। अफगानिस्तान में कल नई सरकार का ऐलान करेगा तालिबान, शाम की नमाज के बाद सामने आएगी कैबिनेट की तस्वीर। अफगानिस्तान में सरकार के ऐलान से पहले तालिबान का शक्ति प्रदर्शन, लड़ाकों के परेड का जारी किया वीडियो। काबुल के सारे चेक पॉइंट पर नजर आए तालिबान के लड़ाके, लोगों से दुकान और बाजार खोलने का निर्देश दिया। पंजशीर में बढ़ती जा रही है तालिबान की चुनौतियां, करीब 350 तालिबानियों के मारे जाने का दावा है। भारत ने तालिबान को फिर दी नसीहत, कहा आतंकी गतिविधियों के लिए न हो अफगानिस्तान का इस्तेमाल। तालिबान पर नसीरुद्दीन शाह के बयान को लेकर सुलगी सियासत, कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कंट्राडिक्टरी बयान आ रहे हैं तालिबान लीडर्स के और पाकिस्तान के कुछ आतंकियों के, हमें कश्मीर में और सचेत होना पड़ेगा। बीजेपी ने नसीरुद्दीन शाह के बयान का समर्थन किया, शहनवाज हुसैन बोले जो लोग तालिबान की जीत का जश्न मना रहे हैं उन्हें बाद में पता चलेगा। अगर तालिबान की जीत पर किसी को अगर जश्न दिखता है तो उनको अपनी सोच को देखना चाहिए, ऐसी सोच भी खराब है। नसीरुद्दीन शाह ने तालिबान का समर्थन करने वालों को नसीहत दी है, कहा पुरानी बर्बरता के साथ रहना चाहते हैं या अपने धर्म में सुधार चाहते हैं। आज हर हिंदुस्तानी मुसलमान को अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि उसे अपने मजहब में इस्लाह, रिफॉर्म और जिद्दत पसंदी, मॉडर्निटी चाहिए या पिछली सदियों के वहशीपन का इकदार, वैल्यूज। पंजाब प्रभारी को साइडलाइन करके सीधा दिल्ली दरबार पहुंचना, सिद्धू को पड़ा भारी, सोनिया, प्रियंका और राहुल गांधी से मिलने का नहीं मिला वक्त। सूत्रों के अनुसार सिद्धू के हरीश रावत को दरकिनार करने से नाराज है कांग्रेस आलाकमान, सिद्धू ने भी दिखाई नाराजगी, सीधे पटियाला पहुंचे। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का सोशल मीडिया कैंपेन, योजनाओं के प्रचार के लिए अब कार्टून का भी सहारा। यूपी बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से लगातार ट्वीट हो रहे हैं कार्टून, सीएम योगी को अपराधियों माफियाओं पर सख्त होते दिखाया गया। हाईकोर्ट ने धार्मिक शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों को लेकर मांगी जानकारी, पूछा क्या धर्मनिरपेक्ष राज्य मदरसों को दे सकते हैं फंड। दिल्ली से सटे जेवर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट को यूपी सरकार की मंजूरी, जल्द शुरू होगी 6,000 करोड़ की योजना। अनिल देशमुख केस में नया मोड़, वकील आनंद धागा और सीबीआई के सब इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी। कोलकाता के अस्पताल में भर्ती हुए टीएमसी नेता मुकुल रॉय, 60 डॉक्टर्स की टीम कर रही है इलाज। 7 सितंबर से शुरू होगा ओवैसी का यूपी दौरा, अयोध्या, सुल्तानपुर और बाराबंकी जाएंगे। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर उद्धव ठाकरे ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, कल शाम होगी मीटिंग। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी का निधन, कड़ी सुरक्षा में किया गया सुपुर्द-ए-खाक। सैयद अली शाह गिलानी के निधन पर इमरान खान ने उगला जहर, आधा झुकवाया पाकिस्तान का झंडा। गिलानी की मौत पर पाकिस्तान की करतूतों पर बीजेपी आग बबूला, रविंद्र रैना बोले खत्म हो गई अलगाववादियों की कहानी। साबित होती है कि पाकिस्तान ने अलगाववादी नेताओं के साथ मिलकर कश्मीर में खूनी खेल खेला।
महंगाई को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा, बोले अर्थव्यवस्था को ठीक से नहीं किया हैंडल। दिल्ली में कांग्रेस की महिला मोर्चा का विरोध प्रदर्शन, महंगाई को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ विरोध। महंगाई को लेकर पश्चिम बंगाल के आसनसोल में कांग्रेस का प्रदर्शन, बीच सड़क टायर जलाकर विरोध जताया। पंजाब के मोगा में किसानों का उग्र प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर किया भारी पथराव। करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज को लेकर फतेहाबाद में कांग्रेस का प्रदर्शन, हरियाणा की खट्टर सरकार के खिलाफ मोर्चेबंदी। हरियाणा के सोनीपत में भी कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज को लेकर नाराजगी। जज्जर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, ज्ञापन सौंपे जा रहे पार्टी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बीच रास्ते में रोका। अलवर में किसानों के टोल फ्री करने के विरोध में टोल कर्मचारियों की भूख हड़ताल, रैली निकालकर जताया विरोध। मेरठ में बेरोजगारी को लेकर समाजवादी पार्टी का अर्धनग्न प्रदर्शन, योगी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बढ़ा बवाल, पुनर्वास की समस्या को लेकर सीआईएसएफ और स्थानीय लोगों के बीच झड़प हुई। आसनसोल में पुलिस के साथ भी लोगों ने की मारपीट, गाड़ियों में तोड़फोड़, चार लोग घायल। फिरोजाबाद में 44 तक पहुंची वायरल बुखार से मरने वालों की संख्या, आज 5 मरीजों ने तोड़ा दम। फिरोजाबाद के वायरल फीवर को खतरनाक डेंगू बता रहा है प्रशासन, शहर के अस्पतालों में नहीं है जगह। मथुरा में भी पांव पसार रहा है वायरल फीवर, 20 दिनों में 9 लोगों की जान जा चुकी है। देश में बढ़ने लगी कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 47,900 से ज्यादा नए मामले, एक दिन में 509 लोगों की मौत। दुर्गापुर में वैक्सीन लेने आए लोगों का विरोध प्रदर्शन, स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। दिल्ली एनसीआर समेत देश के 20 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी, जेईई मेंस परीक्षा में गड़बड़ी की खबर के बाद एक्शन। दिल्ली में लगातार 3rd दिन बरसात, पॉश इलाकों में पानी भरने से लोगों की मुसीबत बढ़ी। दिल्ली के अंडरपास में भी बरा पानी, सिस्टम की खुली पोल, एमसीडी और सरकार के दावों पर उठे सवाल। दिल्ली में जल जमाव को लेकर जारी है सियासत, आम आदमी पार्टी पर बीजेपी का पोस्टर वॉर, लिखा स्विमिंग पूल में नहाया क्या। गाजियाबाद में भारी बारिश ने किया लोगों को बेहाल, पानी में डूबा नजर आया इंदिरापुरम का इलाका। भारी बारिश से बिगड़े गाजियाबाद के हालात, अस्त व्यस्त हुआ जनजीवन। तालाब बन गया देश का सबसे हाईटेक माना जाने वाला हाईवे, करोड़ों की लागत से तैयार, दिल्ली मेरठ हाईवे पर जल भराव। मोतिहारी में तेजी से बढ़ रहा है बाढ़ का पानी, बह गई बैलगाड़ी। बिहार के मुंगेर में एक बार फिर लौटी बाढ़, चंडिका स्थान के गर्भगृह में घुसा पानी, भक्तों के लिए एंट्री बंद। छपरा में नारायणी नदी के जलस्तर पर लगातार नजर, 1,000 घरों में अब तक घुसा पानी। गोरखपुर में बाढ़ से बचने के लिए गांव वालों ने बांध को बनाया आशियाना, अधिकतर रास्तों पर आवाजाही प्रभावित। सिद्धार्थनगर जिले में खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं नदियां, कई गांवों में पानी भरा। धौलपुर में लबालब हुआ पार्वती नदी पर बना बांध, खोल दिए गए 2 गेट। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मूसलाधार बरसात, एक दूल्हे को शादी में जाने के लिए 3 किलोमीटर कीचड़ में चलकर जाना पड़ा। उत्तराखंड के बागेश्वर में जारी है भूस्खलन का कोहराम, 8 सड़कों पर आया मलबा, टूट गया 20 गांवों का संपर्क। उत्तराखंड के चमोली में भूस्खलन लगातार, खिसक रही है जमीन, थराली डूंगरी मोटर मार्ग बंद। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में वैक्सीन को लेकर बवाल, लोगों में जमकर मारपीट। राजस्थान के चूरू में जहरीले खाने का मामला, 45 बच्चों समेत 100 से ज्यादा लोग बीमार। मध्य प्रदेश के धार में भीषण सड़क हादसा, गाड़ी पलटने से 3 की मौत। यूपी के इटावा में हॉरर किलिंग का मामला, मां पर बेटी की हत्या का आरोप। भरतपुर में उधार के पैसों को लेकर मारपीट, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप। फतेहपुर में नहर में बहती मिली लाश, इलाके में मचा हड़कंप, अभी तक नहीं हो पाई है शिनाख्त। चंद्रपुर में जादू टोना करने के शक में एक ही परिवार के 3 लोगों को बांधकर पीटा, 5 आरोपी गिरफ्तार। पश्चिम बर्धमान में पेट्रोल पंप पर लूटपाट, कर्मचारियों के साथ मारपीट के बाद 1,00,000 रुपए लेकर फरार। चेन्नई रेलवे स्टेशन पर बवाल, 2 कॉलेज के छात्रों के बीच मारपीट। गुवाहाटी एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की बड़ी कामयाबी, करीब 68,00,000 रुपए की विदेशी करेंसी बरामद। झारखंड के चतरा में मास्क चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मियों की गुंडागर्दी, सेना के जवान के साथ की मारपीट। अंबाला में खाद्य सुरक्षा विभाग ने लॉन्च की
फूड टेस्टिंग मोबाइल लैब, सिर्फ 20 रुपए में कोई भी शख्स करवा सकता है टेस्ट। 514 अंकों की बढ़त के साथ 57,852 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 158 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 17,234 पर निफ्टी बंद। 28 रुपए की गिरावट के साथ 46,193 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ सोने का भाव, चांदी 279 रुपए बढ़कर 62,650 रुपए प्रति किलो। अगस्त की बेरोजगारी दर बढ़कर 8.32% पर पहुंची, जुलाई में 6.95% था आंकड़ा। सेमीकंडक्टर की कमी के चलते महिंद्रा एंड महिंद्रा सितंबर में घटाएगी गाड़ियों का उत्पादन, 20-25% तक कम होगा प्रोडक्शन। रूस की पहल पर कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने के ओपेक के फैसले से सस्ता हो सकता है कच्चा तेल, भारत में भी घट सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। अगले साल की शुरुआत में फिर से शुरू हो सकती है जेट की फ्लाइट्स, कंपनी के नए मैनेजमेंट ने एएआई और डीजीसीआई के पास आवेदन किया। केवाईसी नियमों के उल्लंघन पर एक्सिस बैंक पर लगा 25 लाख का जुर्माना, आरबीआई ने पेनल्टी लगाई। एशिया के अमीरों की लिस्ट में मुकेश अंबानी ने गौतम अडानी को फिर छोड़ा पीछे, वर्ल्ड रैंकिंग में अंबानी नंबर 12, अडानी 14वें स्थान पर। ओवल टेस्ट की पहली पारी में भारत की खराब शुरुआत, 127 रन पर 7 खिलाड़ी पवेलियन लौटे। कप्तान विराट कोहली ने खेली 50 रन की पारी, बाकी किसी बल्लेबाज का बल्ला नहीं चला। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर भारत को बैटिंग का न्योता दिया, 5 मैचों की सीरीज में दोनों टीमें फिलहाल 1-1 से बराबर हैं। सबसे अधिक इंटरनेशनल गोल करने वाले खिलाड़ी बने क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ईरान के अलीदेई के 109 गोल का तोड़ा रिकॉर्ड। जापान की टेनिस स्टार नाओमी ओसाका की अमेरिकी ओपन के तीसरे दौर में एंट्री, प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ी ने छोड़ा दूसरे दौर का मुकाबला। अमेरिका के मैरीलैंड में ईरा तूफान ने मचाई तबाही, पानी में डूब गई शहर की अधिकतर सड़कें। ईरा तूफान की वजह से अब तक हजारों घर और लाखों लोग प्रभावित, अमेरिका के कई शहरों में गहराया बिजली संकट। अमेरिका और कनाडा में रेस्क्यू किए गए हजारों लोग, फ्लैश फ्लड की वजह से न्यूजर्सी में दरिया बन गई सड़कें। स्पेन के कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद तूफान ने बरपाया कहर, कई शहरों में पैदा हुई भीषण बाढ़ की स्थिति। ब्रिटेन में छुट्टियों से वापस लौटे लोगों की हीथ्रो एयरपोर्ट पर दिखी भारी भीड़, कोरोना नियमों के चलते लोगों को करना पड़ा घंटों इंतजार।